जिला परिषद परभणी, डिटेल एस्टिमेट सीसी रोड। सीसी रोड का एस्टिमेट बना रहे हैं हम ये। इससे पहले के वीडियोस में हमने मेजरमेंट शीट में कुछ काम किया है, रेट एनालिसिस में काम किया है, मटेरियल की शीट में काम किया है और अब्स्ट्रैक्ट की शीट में काम किया है। आप देखेंगे मेजरमेंट शीट में हमारे 6 आइटम कंप्लीट है, उसी तरीके से रेट एनालिसिस में भी 6 आइटम कंप्लीट है और अब्स्ट्रैक्ट शीट में भी 6 आइटम कंप्लीट है। लेकिन जो मटेरियल की शीट होती है जो हम रॉयल्टी के लिए बनाते हैं, उसमें हम वही आइटम लेते हैं जिन्हें मटेरियल लगता है, और मटेरियल से हमारी जो मुराद है वो ये मटेरियल होता है। इनमें से भी सबको रॉयल्टी नहीं लगता है, जो कि आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 चार ही आइटम नजर आ रहे हैं, जबकि हमारे 6 आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये 80 mm का आइटम लिया था, फिर जिसे हमने सप्लाई किया था, फिर 40 mm का, इसी तरीके से फिर उसे स्प्रेडिंग किया है, और ये मुरुम का आइटम लिया था और उसे स्प्रेडिंग किया है। इस तरीके से हमारे ये स्प्रेडिंग तक के आइटम रेडी है। अब हम कॉम्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें ये 80 mm जो है ग्रेड 1 के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है, उसको हमें कॉम्पेक्शन करना होगा। तो कॉम्पेक्शन का जो आइटम है हमारा SSR के मुताबिक 50.59 का रहेगा, और इस्टीमेट का जो आइटम नंबर रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा। तो मुझे इस आइटम को कॉम्पेक्शन करना है, तो बेहतर यही होगा कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखो हमने जिसे सिलेक्ट किया है वो सिलेक्शन छोड़ना होता है, कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे। अगर आप सिलेक्शन नहीं छोड़ेंगे और इधर उधर कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल भी हो जाता है, तो वो दूसरी तरफ भी पेस्ट हो सकता है, इसलिए सिलेक्शन छोड़ना जरूरी होता है। यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल, इस पर क्लिक करेंगे +1 करके इंटर कर देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 6 के बाद 7वां नंबर बना रहे हैं और इसे इस पर लिंकिंग कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। इक्वल करेंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करके +1 करूं तो ये गलत हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से काम करना है। यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल, यहाँ ऊपर वाले नंबर पर क्लिक करके +1 करके इंटर करना है। इसकी साइज बढ़ा देंगे थोड़ी सी, और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका SSR नंबर बदल देता हूँ। 50.59 मेरा ये नंबर दुरुस्त हो चुका है। अब इस डिस्क्रिप्शन को बदलेंगे, ये SSR है हमारा और ये नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम में, ये SSR नंबर है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं ड्रैग करके Ctrl+C, यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अगर कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे Ctrl+C, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसे तो यहाँ से छोटा किया जाता है, तो रो हाइट मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। एस्टिमेट का आइटम नंबर हो गया, SSR का भी आइटम नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो है स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर मीटर करना होगा, तो ये जो क्यूबिक मीटर है उसे मैं स्क्वायर मीटर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अब ये डायमेंशन दुरुस्त करना पड़ेगा, तो ये दो ये डायमेंशन और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये दोनों को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अगर यहाँ मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये कैलकुलेशन रेडी है और इसका ये टोटल भी रेडी है। इस तरीके से 50.59 का ये आइटम यहाँ पर मेजरमेंट में कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से इसे चेक कर लेना होता है, फिलहाल अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ और आपको बतला रहा हूँ। फिर भी देखिए 100 मीटर के लिए हम काम कर रहे थे और इसका भी दिया था, हम ड्राइंग में देख सकते हैं कि इसके लिए काम कर रहे हैं हम 80 mm के लिए। अब इसका रेट एनालिसिस बनाते हैं हम। ये रेट एनालिसिस की शीट है हमारी, यहाँ पर देखो बॉर्डर है हमारे पास, सबसे पहले बॉर्डर पे ही काम करना है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करेंगे, यहाँ क्लिक करके पेस्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन छोड़ देंगे कीबोर्ड से इसके प्रेस करके। 1, 2, 3,
चार चार चीजें आती है मेजरमेंट शीट से, और तो उसे लेकर आते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ क्लिक करना है इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देना है। इक्वल करेंगे मेजरमेंट और यहाँ क्लिक करेंगे, जो SSR का आइटम नंबर है वो आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट और यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। एक दो तीन चार चीजें आ चुकी है मेजरमेंट से। अब इसका रेट बदलते हैं, जो कि SSR से लाना होता है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी। कॉपी पेस्ट करने से पहले ध्यान से देखना है उसी आइटम का रेट आप कॉपी कर रहे हैं या नहीं। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, उसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी करके एंटर करता हूँ। इस तरीके से इसका ये रेट एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। इसे मटेरियल नहीं लगता है, इसलिए मटेरियल की शीट में हम काम नहीं करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है हमारी। यहाँ पे देखो बॉर्डर पहले से है, यहाँ पर दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे भी और इसे भी। कॉपी करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे। एक दो तीन, ये चार और ये पांच, पांच चीजें आती है मेजरमेंट से, उसे लेकर आते हैं। सबसे पहले एस्टिमेट का आइटम नंबर इक्वल करेंगे मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करना है और एंटर कर देना है। SSR का आइटम नंबर को लेकर आते हैं, इक्वल करेंगे मेजरमेंट और यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वांटिटी है हमारी, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट, ये क्वांटिटी पे क्लिक करके एंटर करना है। उसके बाद देखिए ये यूनिट का कॉलम है हमारा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं इक्वल मेजरमेंट और यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेट होता है, इक्वल करेंगे रेट एनालिसिस और यहाँ क्लिक करना है, जो टोटल रेट बनाया है हमने एंटर करेंगे। जब आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये दोनों का कैलकुलेशन आ चुका है। कैलकुलेशन को भी अच्छी तरीके से कैलकुलेटर से चेक कर लेना होता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट शीट भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो मेजरमेंट, रेट एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट, ये तीन शीट में हमने काम किया है इस आइटम के लिए। मटेरियल की शीट में हमने काम इसलिए नहीं किया कि इसे कोई भी मटेरियल नहीं लगता है। हमारा ये कवर शीट पहले से रेडी है, और एब्स्ट्रैक्ट, मेजरमेंट, रेट एनालिसिस और मटेरियल, ये शीट पर हमने काम किया है। मटेरियल की शीट में आज हमने काम नहीं किया है क्योंकि उसे मटेरियल नहीं लग रहा था। तो इसका प्रिंट करके देखते हैं, PDF करके देखते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। सबसे पहले मैं कंट्रोल पी करता हूँ, उसके बाद एक्सपोर्ट PDF, इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप ऑप्शंस एंटायर वर्कबुक, ओके पब्लिश। ये जो पहली शीट होती है उसे हम कवर शीट कहते हैं, फ्रंट शीट भी कह सकते हैं। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट एनालिसिस का रेट, यूनिट और अमाउंट होता है। इसमें हमने ये चीज और ऐड की है, PWD SSR आइटम नंबर का। बहुत सारे एस्टिमेट में आपको ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। 99% आपको ये मिलेगा। नासिक रीजन के जो एस्टिमेट होते हैं उसमें बहुत बहुत कम ये आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं नासिक रीजन के लिए जो काम करता हूँ उसमें मैं यही फॉर्मेट देता हूँ। ये आइटम नंबर के बाद आपको क्वांटिटी भी मिल सकती है, और ये क्वांटिटी आइटम नंबर से पहले भी मिल सकती है। इस तरीके से ये रेट है, यूनिट है और अमाउंट है। जब ये क्वांटिटी होती है तो क्वांटिटी के साथ भी आपको यूनिट मिल सकता है। ये हमारी मेजरमेंट शीट है, इसमें आइटम नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, नंबर है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है और क्वांटिटी है। आपको ये डबल नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप सिंगल भी डालते हैं तो ये भी सही होता है। उसके बाद हमारा ये रेट एनालिसिस है। रेट एनालिसिस कई तरीके से बनाए जाते हैं, टेबल फॉर्मेट में भी बनाए जाते हैं और इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। PWD में दो फॉर्मेट चलते हैं, एक तो इसमें देखिए 21% माइनस नहीं है। जब कोई भी परसेंटेज ऐड नहीं होते, यानी जैसे G+1 की या उससे बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें परसेंटेज ऐड होते हैं, तो जब 21% माइनस और प्लस करना होता है
उसी तरीके से ट्राइबल कॉर्पोरेशन एरिया या म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया या और भी ऐसे एरियाज है जहां पर परसेंटेज ऐड होते हैं, वहां पर 21% प्लस और माइनस किया जाता है। पीडब्ल्यूडी का वो एक फॉर्मेट है और एक ये इस तरीके का फॉर्मेट है जिसमें कोई भी परसेंटेज ऐड नहीं किए जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा रेट एनालिसिस था। और उसके बाद देखिए हमारी ये मटेरियल की शीट है जो कि हम रॉयल्टी के लिए तैयार करते हैं। इस एस्टिमेट में हमने इस आइटम के लिए मटेरियल में काम नहीं किया है।